हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। और आज से हम लोग शुरू करें क्लास 12th का फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री का। इसके बाद आपको पूरे सिलेबस की रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, लेकिन अगर ये फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ें आपको रटनी पड़ सकती हैं जो कि भविष्य में नुकसानदायक होगा। तो फाउंडेशन क्लासेस ये 4-5 दिन चलने वाली है और उसके बाद आपका रेगुलर कोर्स शुरू हो जाएगा। 12th का केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है, सारे के सारे पूरा थ्योरीज फ्री और न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मेरे मिलने वाला है, तो बने रहिए। आज आज के हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज के फाउंडेशन कोर्स में हम भाई 11th में जो चीजें पढ़ चुके हैं बेसिक, उनको एक बार रिवाइज कराएंगे। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, ठीक है, और दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, उसकी बात करने वाले हैं। दूसरा हाइड्रोजन बंध क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा बद्ध सहयोजी बंध क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा कुछ चीजें आपको रटनी पड़ सकती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सहसंयोजी बंध तक पहुंचने से पहले भी मैंने कुछ चीजें लिख रखी है। सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, हम लिखेंगे कैसे, 2-8 एक लिख देंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसे 2-8-2 लिख देंगे। एल्यूमिनियम 13 है, इसे 2-8-3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन 14-2-8-4 ये पढ़ रखा होगा, बहुत बड़ी करूंगा आप लोगों ने। बाकी ये फास्फोरस 15 है, तो 2-8-5 हो जाएगा। सल्फर 2-8-6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स वो स्टेबल होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो अनस्टेबल रहेगा, अस्थाई रहेगा, और जो अस्थाई होगा वो स्थाई बनने का प्रयास करेगा। तो अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एलिमेंट क्या करेंगे, जो जिनके ऑलरेडी 8 हैं वो तो स्थाई हैं, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्थाई बनने के लिए क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो इसके आधार पर देखते हैं। अब सोडियम को यहां पर देख रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सोडियम के पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, देखो त्याग दे क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता है तो 7 ग्रहण करे, मतलब एक त्यागने के लिए एक बार प्रयास करना है और 7 ग्रहण करने के लिए 7 बार प्रयास करना है, कौन सा आसान होगा, क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। सेम केस मैग्नीशियम के साथ है, स्थाई बनने के लिए दो ऑप्शन है इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, है ना, 6 ग्रहण करे या फिर 2 त्याग दे। देख रहे हो 2 त्याग दे कैसा हो गया, स्थाई हो गया, क्योंकि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो कौन सा रास्ता आसान रहेगा, 2 त्यागेगा या 6 ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एल्यूमिनियम 3 त्यागे या 5 ग्रहण करे, क्या करेगा, 3 त्याग देगा। सिलिकॉन के पास 4 है, ये 4 ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, मीन्स ये बीच में आ रही साझा करता है, ठीक है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ये या तो 5 त्यागे या 3 ग्रहण करे, अब उल्टा मामला हो गया, 5 त्यागने के लिए 5 बार प्रयास करना है, 3 ग्रहण करने के लिए 3 बार, ये 5 त्यागने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सल्फर के पास सेम केस आ गया, ये 6 त्यागे या 2 ग्रहण करे, तो 6 त्यागने से बेहतर है 2 ग्रहण करेगा। क्लोरीन 7 त्यागे या 1 ग्रहण करे, 7 त्यागने से बेहतर है 1 ग्रहण करेगा। तो ये बेसिक बात की हमने देखा कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थाई बनने का प्रयास करते हैं, और जिनके बाह्यतम कोश में कितने भाई, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थाई बनने का प्रयास करते हैं। तो दो प्रकार के तत्व हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या बनाएंगे, धनायन। तो ऐसे तत्व को बोलते हैं धन बद्धि तत्व। ये टर्म हमें अभी यूज करने हैं आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएंगे वो कहलाएंगे क्या, ऋण बद्धि तत्व। तो एलिमेंट्स दो प्रकार के हो गए, धन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, धन बद्धि और ऋण बद्धि। अब यहां पर एक बात देखिए, धन वैद्युति गुण का हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन ज्यादा धन वैद्युति है और कौन कम धन वैद्युति है। तो अगर मैं इनमें धन आयन बनाने की कॉम्पिटिशन करा दूं तीनों में कि चलो भैया देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट कौन आएगा, सोडियम, सेकंड कौन आएगा, मैग्नीशियम, थर्ड कौन आएगा, एल्यूमिनियम। क्यों,
क्लियर है भाई, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग में है, सबसे पहले काम निबट जाएगा इसका। इसे दो इलेक्ट्रॉन त्याग में है, इट विल टेक टाइम, समय लेगा, बाद में बनेगा धन आयन इसका। और एल्युमिनियम को तीन इलेक्ट्रॉन त्याग में है, ये और ज्यादा समय लेगा, बाद में धन आयन बनेगा इसका। तो सबसे पहले धन आयन किसका बना, सोडियम का, उसके बाद किसका, मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका, एल्युमिनियम का। सबसे ज्यादा धन विद्युतीय कौन है, सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम। ऐसे यहां पर कॉम्पिटिशन करा देते हैं टीम में, ठीक है, कौन ज्यादा ऋण विद्युतीय है, ठीक है। तो हमने ऋण आयन बनाने का कॉम्पिटिशन कराया, अब सबसे पहले ऋण आयन किसका बनेगा, क्लोरीन का, क्यों, एक ही ग्रहण करना है। उसके बाद किसका बनेगा, सल्फर का, क्यों, दो ग्रहण करने हैं। सबसे लास्ट में ऋण आयन किसका बनेगा, फास्फोरस का, इसे तीन ग्रहण करने हैं, पांच है ना, तीन ग्रहण करेगा। तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन, क्लोरीन, उसके बाद कौन, सल्फर, उसके बाद कौन, फास्फोरस। तो ये जरूर पढ़ के बात करेंगे। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ऋण विद्युतीय तत्वों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, याद रखिए फॉन, फॉर्मूला बना दिया मैंने, फॉन ट्रिक दे दिया आपको, फॉन, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, तो फॉन पूछे कौन, आप कह देना फॉन, यानी सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन, नंबर फर्स्ट क्लोरीन, नंबर सेकंड कौन आने वाला है, ऑक्सीजन, और नंबर थर्ड नाइट्रोजन। तो ये दुनिया के सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की बात चल रही हो, मींस इनकी बात चल रही है, इसी क्रम में रहेंगे, क्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। अब हम शुरू करते हैं, जो बेसिक टर्म था उसे बताने की जरूरत थी। तो आज का जो पहला टॉपिक था, ये बेसिक चीजें सब पढ़ रखे थी आपने, लेकिन जरूरत है दोबारा से रिफ्रेश करने की, आपको सवाल था मैं जानता हूं, ठीक। अब हम बात करें सहसंयोजी बंध की। अब ये क्या होता है भाई, दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, एक ही एलिमेंट के दो एटम हो सकते हैं, या अलग अलग, जैसे मैंने CO2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देख रहे हो कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 2, 4 अस्थायी है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2, 6 ये भी अस्थायी है। तो इसमें एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन। ये लिखने का रूल आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा बाद में बताऊंगा मैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कम चाहिए। तो जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उस एटम को सेंटर में लिखे देते हैं, जिन्हें कम चाहिए वे साइड से। तो ये बन गया CO2। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए, ऑक्सीजन को 2, ऑक्सीजन को 2। तो ऐसा मामला हो कि जब दो तत्व हो और दोनों को ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ रही हो, तो वहां पर होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा। अब देखो, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, ऑक्सीजन को भी चाहिए 2, तो क्या होगा, साझा। कैसे होगा, अच्छा, जो बाह्यतम कोश होता है उसे बोलते हैं संयोजी कोश, और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड बनाने में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन में कोई मतलब नहीं होता। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन के 6 लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस ऑप्शन के भी 6 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कार्बन ने दोनों ऑप्शन के साथ दो दो का साझा कर लिया, ऐसा करने से इस ऑप्शन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक कर लो, इस ऑप्शन के 8 हो गए, चेक कर लो, कार्बन के 8 हो गए, चेक कर लो। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन साझे के हैं, इन इलेक्ट्रॉन पर, इन 4 इलेक्ट्रॉन पर जितना अधिकार इस कार्बन का है, उतना ही अधिकार इस ऑक्सीजन का है। तो एक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी, और साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो मेरा जो पहला टॉपिक आज का, मुझे आपको यही बताना था, सहसंयोजी बंध क्या होता है, क्लियर हो गया होगा कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्लियर, ठीक। अब अगली बात सहसंयोजी बंध की भी कंडीशन होती है, जैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है सहसंयोजी बंध। देखो, एक तो कंडीशन ये है कि CH2 का एग्जांपल ले लेते हैं हम, और एक एग्जांपल यहाँ पे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का ले लेते हैं। क्या मामला रहेगा, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, यानी क्लोरीन, दो क्लोरीन के परमाणु हैं और दोनों को कितने की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों परमाणु सेम एलिमेंट के हैं, एक ही तत्व के दो परमाणु हैं। अब साझा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस क्लोरीन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस क्लोरीन के, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों ने साझा कर लिया, इसके भी 8 और इसके भी 8, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब देखो, हाइड्रोजन ये रहा, अब फ्लोरीन ये रहा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है 2.7, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है 2.7, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस क्लोरीन के 9 लिख रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
इसके अभी हो गए कितने हो गए भाई, इसके दो हो गए, बच के कितने हो गए, पांच। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या देखेंगे हम कि हाइड्रोजन, हाँ दोनों परमाणु एक ही तत्व के थे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। कितने थे? अब यहाँ अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेंगे। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो जो ज्यादा रद्द कर चुकी है कौन है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो जाएंगे। तो जब साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में रहते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में रहते हैं, कहीं शिफ्ट नहीं होते, इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को बोलते हैं क्या, आध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब क्या हुआ, साझे के इलेक्ट्रॉन थे ना, फ्लोरीन ज्यादा रद्द कर चुकी था, ये सेंटर में नहीं रहेंगे, किधर खिसक जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, और जब साझे के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खिसकेंगे तो फ्लोरीन पे आ जाएगा आंशिक ऋण आवेश, क्या आ जाएगा, आंशिक इस पे चार्ज आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कि एच एफ के अणु में दो ध्रुव बन चुके हैं, एक धन और एक ऋण। तो इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध ये हो गया। कुछ बातें नाम से ही पता चल जाएंगी। अब हाइड्रोजन बंद है तो कॉमन सी बात है, कौन बनाएगा भाई, हाइड्रोजन बंद हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बनाएगा। ठीक, अब कौन सा हाइड्रोजन बनाएगा, ऐसा कह रहा हूं तो कह रहा कोई भी नाइट्रोजन आ गया बोला बना बोला बॉन्ड, नहीं बना सकता, कुछ विशेष किस्म के हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बंद बना सकते हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बंद बनाने की क्षमता नहीं। अब वो कौन से विशेष किस्म के, जिनके सर पे हाथ होगा किसका, प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व यानी फोन का, प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व यानी फोन, यानी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बंद बना सकते हैं, सभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंद नहीं बना सकते। अब मैं यहां पे कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जल के अणु की बात करें, बहुत कॉमन सा एग्जांपल होता है जल, H2O है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल HOH H2O, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के मैं लिख रहा हूं यहां पे HOH ना, 1 2 3 4। अब होता क्या है, हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में, ध्यान दे लीजिए, किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में किसी अन्य जिससे जुड़ा हुआ उसके साथ नहीं, किसी अन्य प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व के साथ एक दुर्बल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, इस दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। फिर समझिए, किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में, इसे ले लो, इस किसी को भी ले सकते हो, किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में किसी अन्य प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व के साथ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ क्या बनाएगा, एक दुर्बल बंध बनाएगा। ठीक है, किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में, इसे थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं अपन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़े हाइड्रोजन में किसी अन्य प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व के साथ एक दुर्बल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, इस दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा होगा आपके लाइन पे, तो हाइड्रोजन जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से जल के बहुत सारे अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इनका अणु भार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, समझ गए, वजह क्या है, जल द्रव के रूप में पाया जाता है। 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, H2S सेम केस है, लेकिन H2S गैस होती है, क्यों, क्योंकि यहां पे सल्फर प्रबल ऋण वैद्युतीय नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, अणु भार कम रहेगा, क्वथनांक कम रहेगा, तो H2S गैस होगी और ये द्रव होगा। तो अब हम बात करते हैं दो प्रकार कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया कि एक अणु का हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के प्रबल ऋण वैद्युतीय के साथ, देखो तो यहां पे तो अभी भाग कम करता हूं मैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, एक अणु का हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के, एक अणु का हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के प्रबल ऋण वैद्युतीय के साथ जो बंध बनाएगा, इस बंध को बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक से ज्यादा अणु इन्वॉल्व हो गए। दूसरी कंडीशन मैं यहां बना देता हूं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की,
ठीक है। फिनॉल का मतलब OH लगा दो यार यहाँ पे, ठीक है। और तो नाइट्रो इस तरह कर देते हैं, चलो NO2 इकट्ठा भी लिख सकते हो आप। तो ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हो गया। अब क्या है कि प्रबल ऋण वैद्युतीय तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन किसी दूसरे प्रबल ऋण वैद्युतीय के साथ एक दुर्बल बंध बनाएगा, और ये बंध भी क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध। लेकिन ये हाइड्रोजन बंध कहलाएगा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अणु इन्वॉल्व है, दूसरा अणु है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन बंधन एक ही अणु के अंदर हो जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक से ज्यादा अणु इन्वॉल्व हो जाए अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो टॉपिक क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक में एक मिनट में खत्म करता हूं से, फिर हम लोग ठोस अवस्था की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तीसरा आता है वैद्युत संयोजी बंध। कौन तो बहुत सारी हैं, आपने इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं रिवाइज करा। अब अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सबसे पहले कि धन वैद्युति क्या होता है और ऋण वैद्युति क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धन वैद्युति, ग्रहण करने वाला ऋण वैद्युति। सबसे पहले त्याग दे प्रबल धन वैद्युति, ये जल्दी नहीं चाहते, सबसे पहले ग्रहण कर ले प्रबल ऋण वैद्युति। तो जब दो ऐसे तत्व आपस में संपर्क करते हैं जिनमें एक की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है और दूसरे की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, तो साझा नहीं होता, वहां होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। देखिए कैसे, ये सोडियम और ये क्लोरीन, ठीक है। सोडियम के 7d कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, विन्यास क्या है इसका 2d, क्लोरीन के 7d कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा हूं एग्जाम में आ जाएगा आपको, कौन से सोडियम से कौन से क्लोरीन के विन्यास क्या है 2d8d7, दोनों अस्थाई है। ये स्थाई बन सकता है त्याग कर और ये स्थाई बन सकता है ग्रहण करके। क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। रिजल्ट, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा एक इकाई धन आवेश, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्लोरीन पे ये पहले से थे कितने 7, अब एक ग्रहण कर लिया कितने हो गए 8, और चार्ज कैसे आ गया निगेटिव। ऐसा करने से 2d8 बचा क्योंकि एक त्याग दिया, यहां पे क्या 2d8 हो गया क्योंकि एक ग्रहण कर लिया, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हो Na+Cl-, तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है ये कहलाएगा वैद्युत संयोजी बंध, समझ लीजिए, ठीक है। तो जब दो तत्व तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, मतलब एक तत्व से इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के पास जाएगा। तो दो तत्वों के मध्य या परमाणु के मध्य कह लो, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश आ जाता है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और ये विपरीत आवेशित आयन आपस में एक बल के द्वारा, एक फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं, जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो वैद्युत संयोजी बंध में परमाणु जुड़ते हैं वो आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बने रहते हैं। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।